अर्जुन पुरस्कार 2022 सुश्री सीमा पुनिया। एथलेटिक्स की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री सीमा पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में रजत पदक और एशियाई खेल 2018 में कांस्य पदक जीते। सुश्री सीमा पुनिया को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सीमा पुनिया। श्री एल्धोस पॉल। एथलेटिक्स के सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री एल्धोस पॉल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता। श्री एल्धोस पॉल को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री एल्धोस पॉल। श्री अविनाश मुकुंद साबले। एथलेटिक्स के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री अविनाश मुकुंद साबले ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक, एशिया चैंपियनशिप 2019 पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीते। श्री अविनाश मुकुंद साबले को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अविनाश मुकुंद साबले। श्री लक्ष्य सेन। बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2022 टीम में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप 2021 और एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 में कांस्य पदक जीते। श्री लक्ष्य सेन को बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री लक्ष्य सेन। श्री प्रणॉय एचएस। बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री प्रणॉय एचएस ने एशियाई चैंपियनशिप 2020 पुरुष टीम एवं एशियाई चैंपियनशिप 2018 पुरुष एकल में कांस्य पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2018 मिश्र टीम में स्वर्ण पदक जीते। श्री प्रणव एचएस को बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रणव एचएस।
श्री अमित, उत्कृष्ट मुक्केबाज श्री अमित ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक, एशियाई चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक, एशियाई चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों 2018 में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में रजत पदक जीते। श्री अमित को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अमित, सुश्री निखत जरीन, उत्कृष्ट मुक्केबाज सुश्री निखत जरीन ने विश्व चैंपियनशिप 2022 एवं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक और एशियाई चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीते। सुश्री निखत जरीन को मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री निखत जरीन, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, शतरंज की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ने विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक टीम और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक एकल जीते। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, श्री आर प्रज्ञानंदा, शतरंज के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री आर प्रज्ञानंदा ने 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में कांस्य पदक टीम, FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड 2021 में कांस्य पदक टीम, FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 में स्वर्ण पदक टीम जीते। श्री आर प्रज्ञानंदा को शतरंज में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री आर प्रज्ञानंदा, सुश्री सुशीला देवी, जूडो की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप 2019 और राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीते। सुश्री सुशीला देवी को जूडो में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुशीला देवी,
सुश्री साक्षी कुमारी। कबड्डी की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री साक्षी कुमारी ने एशियाई खेल 2018 में रजत पदक टीम जीता। सुश्री साक्षी कुमारी को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री साक्षी कुमारी। सुश्री नयन मोनी साइकिया। लॉन बॉल्स की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री नयन मोनी साइकिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक टीम और एशियाई चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक टीम जीते। सुश्री नयन मोनी साइकिया को लॉन बाउल्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री नयन मोनी साइकिया।